धर्मपुरी के ग्राम धानी में स्थित सेंट जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्रावास में रह रहे तीन छात्रों के साथ छात्रावास अधीक्षक सुभाष के द्वारा वाइपर के पाइप से मारपीट का एक मामला सामने आया है। छात्रों के परिजनों और छात्र ने पैरों पर चोट के निशान दिखाते हुए उनसे संस्था के फादर द्वारा खेत पर मजदूरी करवाने, मारपीट करने और बच्चों द्वारा भगवान की तस्वीरें ले जाने पर उन्हें प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इन घटनाओं से परेशान होकर छात्रों ने सुबह 5 बजे छात्रावास की दीवार लांग कर भागने का प्रयास भी किया, मगर अन्य छात्रों ने देखकर छात्रावास अधीक्षक को सूचना दे दी, जिससे छात्रावास अधीक्षक ने छात्रों को वापस छात्रावास में ले जाकर फिर से जमकर मारपीट की और छात्रों के परिजनों को बुलाकर तीनों छात्रों को छात्रावास से भेज दिया गया। उक्त घटना से पीड़ित छात्रों के परिजन छात्रों को लेकर मनावर एसडीएम सत्यनारायण दर्रो के पास पहुंचे और एसडीएम को छात्रावास अधीक्षक द्वारा नालियां साफ करवाने और खेत में सोयाबीन की फसल एकत्रित करवाने सहित कई आरोप लगाए और नहीं करने पर छात्रों के साथ मारपीट करने की बात कही, जिन्हें सुनकर एसडीएम ने तुरंत धर्मपुरी के बीआरसी को मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए, जिसकी सूचना धार उच्च शिक्षा अधिकारी को दी और उपयुक्त कार्रवाई का आश्वासन परिजनों को दिया। पूरा मामला धर्मपुरी विधानसभा के ग्राम धानी के छात्रावास का है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? संत जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल धानी। क्या हुआ आपके साथ वहाँ? मारते। किसने करी? सर ने। क्या नाम सर? सुभाष सर। क्यों क्यों करी मारपीट तुमसे? जो हम काम नहीं करते और सर हमको मारते, दूसरे बच्चे और मस्ती करते थे। तो क्या काम करवाते तुमसे? ये सोया बीज और ये उठा उठा के उधर इकट्ठे करना नहीं हूँ। कहाँ से सोया बीज उठाते थे? खेत में से। खेत किनका है वो? फादर का। वहाँ हॉस्टल में रहते हैं आप? हाँ। वहाँ मजदूर नहीं मिलते क्या? मजदूर नहीं। फिर काम कौन करता फिर वहाँ पर? वहाँ पे बच्चों उनको चारा और नींदवाते हैं, नाली और काम सब पूरी हॉस्टल को काम और करवाते हैं। तो तुमने काम नहीं करा था क्या? नहीं करा था। तुमको क्यों मारा था? दूसरे बच्चे मस्ती और कर रहे थे तो इसलिए मैं को मारा। काई से मारा? लोहे से, वाइपर का वो लोहा का डंडा। और ये आपको भगवान की फोटो की पूजा करने देते वहाँ पे? नहीं। तो फोटो आप अगर भगवान की ले जाते तो कहाँ पे रख पाते हैं वो? पेटी में नहीं रखने देते, जमा कर लेते। उनके पास जमा कर लेते। ये धानी जो धर्मपुरी में एक प्राइवेट संस्था है वहाँ पे सेंट जोसेफ करके, वहाँ का एक बालक है अभी यहाँ पे मेरे समक्ष आया है, उनके साथ मारपीट होने की सूचना उन्होंने दी है। मेरे द्वारा भी तत्काल एसी साहब से मेरी बात हो गई है और साथ ही साथ जो बीआरसी धर्मपुरी है ओमेंद्र चौहान, उनसे मेरी बात हो गई। वो अभी नियमानुसार कार्रवाई के लिए वो तत्काल जाएंगे। सर जो दोषी है उसको क्या सजा मिलेगी? डेफिनेटली जो भी दोषी होंगे हम उसके लिए जो यहाँ से प्रस्ताव चुके हमें भेजना पड़ेगा कलेक्टर महोदय को, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर और बच्चा ये कह रहा है कि वहाँ पर लोग भगवान की जो फोटो वो भी नहीं ले जाने देते हैं, पेटी में रखवाते हैं। ये जो जांच का विषय है क्या सही है, ये चीज़ें जाँच उपरांत ही हम